मोदी मेड निजीकरण के पीछे का काला सच। मोदी देश को निजी हाथों में बेचकर देश को 1947 वाली कमजोर स्थिति में धकेल रहे हैं। 60 साल में कांग्रेस ने देश को क्या दिया, पढ़िए। देश का सबसे बड़ा अस्पताल एम्स है जो सरकारी है। सबसे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम IIT जो सरकारी है। सबसे अच्छे मैनेजमेंट कॉलेज का नाम IIM है जो सरकारी है। बीमा उद्योग में विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम है जो सरकारी है। देश के 1 करोड़ लोग अभी या किसी भी वक्त अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए सरकारी रेल में बैठते हैं। नासा को टक्कर देने वाला इसरो सरकार के वैज्ञानिक लोग चलाते हैं, ये भी कांग्रेस ने ही दिया। सरकारी संस्थाओं को भाजपा जानबूझकर फालतू में बदनाम कर रही है ताकि उनको बेच सके। कांग्रेस के समय अधिकतर संस्थाएं लाभ कमा रही थी या नुकसान में भी थी तो देश की गरीब जनता को सर्विस देकर राहत दे रही थी। अगर इन सारी चीजों को प्राइवेट हाथों में सौंप दिया जाए तो ये सिर्फ लूट खसोट का अड्डा बन जाएगी। सरकार अगर हर काम में लाभ के लिए ही सर्विस देगी तो आम जनता का क्या होगा? जिन लोगों ने चुनाव में भारी रकम की मोदी को फंडिंग की है उनको सब बेचकर रणछोड़ दास बन देश के साथ गद्दारी करने की क्या जरूरत है? अगर प्रबंधन सही नहीं तो सही करें, भागने से तो काम नहीं चलेगा। आइए विरोध करें निजीकरण का। निजीकरण से किसका फायदा है, आम जनता का या पूंजीपतियों का? सोचो और विचार करो।